अंग्रेजी परिस्थितियां काफी चुनौतियों से भरी होती हैं, लेकिन किरण मोरे एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें चुनौतियों में ही मजा आता है। 1981 में भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया। इस टीम में कई खिलाड़ी थे जो आगे चल के भारत की ओर से खेले, रवि शास्त्री, नवजोत सिद्धू, मनिंदर सिंह, एल सिवराम कृष्णन। विकेटकीपर के स्थान के लिए तीन तरफा संघर्ष था और आगे जाके तीनों ने भारतीय टीम में भी हक जमाने की कोशिश की। एक थे सदानंद विश्वनाथ, दूसरे चंद्रकांत पंडित और तीसरा जो सही मानों में लंबी रेस का घोड़ा था, किरण मोरे। हमारी जो सिटी थी बड़ोड़ा सिटी, वहाँ से सारे क्रिकेटर्स आए हुए, लाइक टॉकिंग अबाउट दत्ताजी राव गायकवाड, विजय हजारे, यू नो अंशुमन गायकवाड, नयन मुंग्या, अतुल बेदाड़े, ऑल दिस गाइस हम एक ही एरिया से आए हुए हैं। तो आई थिंक एक छोटा सा हब है उधर, तो आई थिंक जो माहौल एक क्रिकेट का है और सारी काफ़ी स्पोर्ट्स का, देयर इज़ टू बी तीन ग्राउंड, जैसे कि शिवाजी पार्क है वैसा ही बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पे तीन चार ग्राउंड थे, तीन चार ग्राउंड पे टॉप क्रिकेट होने का बड़ोड़ा का, यू नो ऑल द टॉप क्रिकेटर्स इज़ टू प्ले। 1982-83 में जब भारत ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया, तब किरण मोरे को सैयद किरमानी के अंडरस्टडी के रूप में चुना गया। किरमानी से मैंने बहुत कुछ सीखा और उनकी स्टाइल अलग थी थोड़ी, वेज टू पिकअप द बॉल, उनकी जो गैदरिंग थी, कैसे एंटिसिपेट करते थे, हाउ इज टू मेक इट लुक वेरी ईजी ऑल्सो, एक माहौल ही कुछ अलग देखने मिला। फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया ये टेस्ट क्रिकेटर है भैया, आप जाग जाओ। आपको क्रिकेट खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो हिम्मत होनी चाहिए, और वो मैंने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में देखा, क्योंकि 10 फास्ट बॉलर थे जो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर मैंने अभी तक देखे नहीं है। इस श्रृंखला के दौरान किरण मोरे को ज़्यादा मैच खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों के साथ रहकर, उनके किस्से सुनकर, दिमागी तौर पर किरण मोरे काफ़ी सुलझे हुए क्रिकेटर बन के वापस आए। जैसे प्लेयर्स थे हमारे टीम में, गावस्कर, अंशुमन गायकवाड़, वेंगसरकर, किरमानी, मदनलाल, सब लोग हिम्मत वाले थे सब लोग। जब मैंने सनी भाई को मैंने बोला, सर बोला, तो मुझे बताया सर नहीं बोलेगा, कॉल मी सनी, यू नो, सो दैट कॉन्फिडेंस ही गेव अस, यू नो। और आपके हमेशा आंखें और कान, यू नो, खुले रखने पड़ते कि आप तभी सीख सकते हो, उसके बिना नहीं सीख सकते। 1986 में भारत इंग्लैंड के दौरे पर निकला और चयनकर्ताओं ने किरण मोरे को प्रमुख विकेटकीपर चुना। अंग्रेजी परिस्थितियां काफी चुनौतियों से भरी होती हैं, लेकिन किरण मोरे एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें चुनौतियों में ही मजा आता है। उनका पहला टेस्ट मैच था लॉर्ड्स के मैदान में। लॉर्ड्स पे जाके डेब्यू करना बहुत बड़ी बात होती है और सबका ड्रीम होता है, क्रिकेट का मक्का है वहाँ पे डेब्यू करना, तो आई थिंक अभी भी याद है। और पहले टेस्ट मैच खेलना और जीतना, हम लोग वनडे क्रिकेट भी डोमिनेट किया, टेस्ट क्रिकेट, और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात होती है। And I had a fabulous tour, you know, like I batted well, I kept well, got 18 victims in that series, and side games I did very, performed very well. Stumps के पीछे निरंतर किरण मोरे कुछ न कुछ बोलते ही रहते थे, bowlers का हौसला बढ़ाने के लिए या batsmen को चढ़ाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि batsmen beat होता या चौका मारता, किरण मोरे हर गेंद के बाद शाबाश शाबाश जरूर चिल्लाते थे। मुझे बोला गया था कि आप बहुत क्वाइट हो, सो यू हैव टू एनकरेज द प्लेयर्स एंड यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट द बैट्समैन आल्सो, बट देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, यू नो, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड आई गॉट इनटू हैबिट, बट आई मेक श्योर दैट व्हेन आई वाज कीपिंग विकेट्स, व्हेन द बॉल जब आता था लास्ट मोमेंट, आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई वाज 100% फोकस ऑन दैट। 1992 में भारत पहली बार विश्व कप में पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहा था। जाहिर है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर काफी दबाव था। पाकिस्तान 17 रनों पर 2 विकेट खो चुका था जब उनके विश्व प्रसिद्ध बल्लेबाज जावेद मियादाद बैटिंग करने मैदान में उतरे। किरण मोरे ने उन्हें छेड़ने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। जावेद हैड अ बैक इंजरी, वाज नॉट फिट, तो मैं बॉलर्स को बोलते हुए इसको आगे डालो, इसका बॉल 30 यार्ड के बाहर नहीं जा रहा है, इसका बॉल, ही वाज गेटिंग वेरी अपसेट, उसको मैं कुछ भी बोल रहा था, वो भी मुझे कुछ बोल रहा था। Kiran would not lose an opportunity to, you know, talk to the batsman. ये वो तो ये needling हमेशा उनकी चलती थी। तो थोड़ा तो थोड़ा बोलते जावेद, ये तो खत्म हो गया था, हम लोग मैच जीत गए, तो
हमारा ही मैच है, आराम से खेल ले तू। और देख बस अपील डाउन द लेग साइड ऑफ सचिन बॉलिंग, आई थॉट ही वॉज आउट इन द कॉट बिहाइंड। तो मैंने जोर से अपील की, तो मुझे बोलता है तो काय को खाली पिकल का फोकट का अपील करता रहता है और जम करते रहता है ना। मैंने बोला आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ, दिस इज बेटर लैंग्वेज आई एम यूजिंग। बट उससे शुरू हो जाता है ज़्यादा काफ़ी। एंड शाह विल जस्ट मेक हिज पॉइंट नाउ एंड से हैंग ऑन अ मोमेंट सन एंड एक्सक्यूज मी मिस्टर मोरे, वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग व्हाइल आई एम फेसिंग अप। चैटर 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 हू मी? And perhaps it is just as well that no one can understand precisely what they're saying. I had advantage, I had a gloves in my hand, so I used to talk like this. So camera pe pata nahi chal raha tha aur mic pe jata nahi, to usko sunai de raha tha. Kiran More kad mein thode kam zarur the lekin sahas mein nahi. Wo ek chatur aur hoshiyar wicketkeeper the, hamesha mauke ki talash mein rehte the. Not to the pitch if it turns, and a smart piece of glove work. किरण मोरे ने बड़ौदा क्रिकेट की अहम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1998 तक स्टेट टीम की कप्तानी की। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।